दोस्तों आइए हम जानते हैं भारत के झारखंड राज्य में स्थित झारखंड की राजधानी रांची शहर के बारे में। सन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होने के बाद झारखंड राज्य की राजधानी रांची को रखा गया। रांची झारखंड के छोटा नागपुर डिवीजन के अंडर आता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाए जा रहे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रांची को भी शामिल किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो रांची 175.12 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यदि हम रांची मेट्रो की बात करें तो ये 652.02 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आबादी की बात करें तो रांची झारखंड का तीसरा और भारत का 38वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी तथा अंग्रेजी है, पर यहाँ संथाली, नागपुरी, खोरठा तथा भोजपुरी भाषा प्रमुख रूप से बोला जाता है। 87.37% की साक्षरता के साथ यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 950 महिलाएं उपस्थित हैं। आर्थिक रूप से देखें तो रांची अपनी अर्थव्यवस्था को काफी तेजी से विकसित कर रहा है, जिसके तहत यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन तथा इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण किया गया है, जो झारखंड तथा भारत के विकास में योगदान दे रहा है। रांची इंडस्ट्रियल सिटीज लिस्ट में ईस्टर्न इंडिया का प्रमुख शहर माना जाता है। रांची शहर जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो के साथ मिलकर एक मजबूत इकोनॉमिक रीजन बनाता है। यदि हम रांची शहर के इतिहास पर नजर डालें तो छोटा नागपुर क्षेत्र से कई सारे ऐसे तत्व खुदाई के समय पाए गए हैं जो प्रमाण देते हैं कि ये मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जो सम्राट अशोक के शासनकाल तक चला। रांची के प्राचीन मंदिर जगन्नाथ मंदिर को 1691 में अनिनाथ सहदेव द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश राज के समय रांची को बिहार का समर कैपिटल बनाया गया था। रांची समुद्री तल से 651 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको प्राकृतिक सुंदरता पसंद है तो आपको यह शहर बारिश के दिनों में काफ़ी पसंद आएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ 65% हिंदू, 16.42% मुस्लिम, 8.52% क्रिश्चन, 9.32% आदिवासी रहते हैं तथा 1.03% अन्य जनजाति के लोग रहते हैं। शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो यहाँ एमिटी यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम्स, रिम्स तथा सरला बिरला यूनिवर्सिटी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जवाहर विद्यालय मंदिर, सेंट जेवियर्स स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल जैसे अच्छे शिक्षण संस्थाएँ उपस्थित हैं। रांची 2 सब डिवीज़न और 18 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बांटा गया है। इसकी सीमा उत्तर में हजारीबाग, रामगढ़, उत्तर पश्चिम में चतरा, पश्चिम में लातेहार, लोहरदग्गा तथा गुमला, दक्षिण में खूंटी, दक्षिण पूर्व में सरायकेला खरसावा तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा बांटता है। आवागमन की बात करें तो रांची रेल, सड़क तथा हवाई मार्ग से जुड़ा है। रांची NH 143B, NH 128, NH 320D, NH 333A से जुड़ा है। रांची का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भारत का 19वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। आइए अब आखिर में जानते हैं रांची में कुछ घूमने लायक पर्यटक स्थल के बारे में। यहाँ आप पतरातू वैली, दशम फॉल, जगन्नाथ मंदिर, जोना फॉल, रॉक गार्डन, टैगोर हिल, रांची लेक, बिरसा जूलॉजिकल पार्क और रांची के फेमस स्टेडियम JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये रांची शहर, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।